हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं सिग्नल सिस्टम जेड ट्रांसफॉर्म लेक्चर एट इस लेक्चर में हम लोग एस बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज गिवेन बाई आपको एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा जेड बाय जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा जेड बाय जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इसको हम आगे भी सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि दो हजार सत्रह में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन

काउंटर पार्ट ऑफ द लेप्लास्ट ट्रांसफॉर्म तो हम पहला लेक्चर में ही लिखवाए थे एक लाइन जेड ट्रांसफॉर्म इज द डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ द लेप्लास्ट ट्रांसफॉर्म लेप्लास्ट ट्रांसफॉर्म में हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए पढ़ते हैं वही जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए पढ़ते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर डिस्क्रीट टाइम आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन इज तो U ऑफ N कहने का मतलब है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस सॉरी यूनिट स्टेप सीक्वेंस तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस का क्या होता है जेड 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 ट्रांसफॉर्म माइनस तो ये भी आपका 2012 का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ तो कुछ इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो जैसे कभी आप दे देगा क्वेश्चन में U ऑफ एन इजकल टू वन फोर एन ग्रेटर टू जीरो और यू ऑफ एन इज टू जीरो फोर

तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2018 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफाइन जेड ट्रांसफॉर्म एंड फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन तो जेड ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है हम लोग जानते हैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस का हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकाले हैं प्रीवियस लेक्चर में पहले ही तो वहां पे हम लोग देखे थे जो जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता था जेड बाई जेड माइनस वन तो वही यहां पे वन का कार निकालने के लिए तो तो का भी जेड 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 ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा माइनस तो यहां पे अगर देखिए आपको अगर डिफाइन करने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म को तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन है पहले लाइन में देखिए जेड ट्रांसफॉर्म इज द डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था फिर आप इसको डिफाइन कर दीजिए तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज टू एक्स ऑफ जेड इजक्ल टू समेशन एन इज टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू डी पावर माइनस एन वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वन साइडेड के लिए अगर आपका कॉजल सिग्नल रहेगा तो उसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा इज्कवल टू एक्स ऑफ जेड इज्कल टू समन एन इज्कल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू डी पावर माइनस एन एक आपका एन इज कल टू जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा और एक आपका एन इज क्वाल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन हो जाएगा तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज टू एक्स ऑफ जेड इज टू समल टू माइनस इनफिनटीस वन एक्स ऑफ एन जेड टू डी पावर माइनस वन तो जब आपका नन कॉजल रहेगा तो ये आपका हो जाएगा और जब कॉजल रहेगा तो ये हो जाएगा तो इस तरह से आप जेड ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं और फिर आपको जेड ट्रांसफॉर्म वन का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल रहा है तो जैसे आप यूनिट स्टेप सिक्वेंस का निकालते हैं उसी तरह आप इसका निकल जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू डी पावर एन क्या होता है जेड वाई जेड माइनस ए तो अब हम लोग क्या करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन निकालेंगे जहां जहां ए है ए को रिप्लेस करेंगे किससे क्योंकि टू पावर लिखेंगे तो तो उसका वैल्यू ही होगा तो अब A को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे one से तो इसका क्या आ जाएगा जेड बाई जेड माइनस वन तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या आ जाएगा जेड बाई जेड माइनस वन और आप उसको डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार अठारह में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज कॉल टू जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और सेकेंड क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इजकॉल टू जेड इंट जेड प्लस बटे जेड माइनस वन का क्यूब ये आपका आठ नंबर में क्वेश्चन था फोर प्लस फोर ये आपका आठ नंबर में है तो हम लोग देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन निकालेंगे फिर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर निकालेंगे तो पहले हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन देखते हैं आपको ये प्रूव करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इजकॉल टू जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो अब हम लोग देखिए रिकरेंस फार्मूला का यूज करेंगे कौन सा फार्मूला रिकरेंस फार्मूला का रिकरेंस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो रिकरेंस फार्मूला क्या कहता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर एन टू डी पावर पी इज टू माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर पी माइनस वन वेयर पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो अब देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए देखें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एन कहने का मतलब एन पर पावर कितना हो गया वन हो गया तो यहाँ पे पी अगर देखिए तो पी कितना है वन है तो यहाँ पे पी कितना है वन है तो अब देखिए रिकरेंस फार्मूला का आप यूज़ कीजिए इस फार्मूला का तो क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इजकॉल टू माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर पी माइनस वन तो पी कितना है वन है तो वन माइनस वन तो वन माइनस वन जीरो हो गया तो माइनस जेड डी वाई डी जेड इन टू एन टू पावर जीरो और एन टू डी पावर जीरो इज्कवल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस जेड वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जेड बाई जेड माइनस वन होता है अभी हम लोग देखिए तो वाई डी जेड जेड बाई जेड माइनस वन अब देखिए आपका डिफ्रेंसिएशन करना है डीवाई डी जेड है डिफ्रेंसिएशन है किसका यू बाई भी है तो यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है डीवाई डी एक्स यू ऑफ बाई भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भी को हम लोग छोड़ते हैं U को हम लोग डिफेंशिएट करते हैं भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बट्टे भी स्क्वायर ये आपका यू बाई भी का डिफेंशिएशन होता है भी को हम लोग छोड़ते हैं इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को हम लोग छोड़ते हैं भी को डिफेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं तो अब यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं देखिए माइनस जेड हम लोग लिख दिए इसका आप डिफेंसिएशन कीजिए तो भी को हम लोग छोड़ते हैं तो जेड माइनस वन छोड़ दिए डी वाई डी जेड इंटू जेड का आप डिफेंशिएशन कीजिए माइनस फिर यू को छोड़ते हैं तो जेड को हम लोग छोड़ दिए डी वाई डी जेड जेड माइनस वन बट्टे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर हम लोग डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं ये आपका डिफेंशिएशन प्रॉपर्टी है तो अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए जेड माइनस वन तो है डी वाई डी जेड इंटू जेड का क्या हो जाएगा तो वन हो जाएगा डी जेड डी जेड तो वन हुआ और यहाँ पे देखिए डी वाई डी जेड जेड माइनस वन है तो इसको अगर कीजिएगा तो डी जेड डी जेड और यहां पे देखिए इस तरह है डी वाई डी जेड जेड माइनस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं डी जेड बटे डी जेड माइनस डी वाई डी जेड तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा डी वाई ये तो वन हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का डिफेंसिएशन क्या होता है कॉन्स्टेंट का डिफेंसिएशन जीरो होता है तो यहां पे वन माइनस जीरो वन हो जाएगा तो माइनस जेड इंटू इसका वन आ जाएगा तो यहां पे देखिए तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा माइनस जेड जेड माइनस वन इंटू वन माइनस जेड इंटू वन हो जाता रहा है फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस जेड ये आपका जेड माइनस वन माइनस जेड 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 कट गया एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है कट गया तो यहाँ पे माइनस जेड यहाँ पे माइनस वन बचा बटे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो हम लोग क्या देखे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन आपका क्या गया जेड बाय जेड माइनस वन का होल स्क्वायर ये आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है व्हाट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन या अगर आपको पूछे व्हाट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन यू ऑफ एन एन यू ऑफ एन का भी जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर आइदर आपको जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन पूछे या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन पूछे दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा क्योंकि यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड बाई जेड माइनस वन तो यहाँ पे भी आपका जेड वाई जेड माइनस वन ही आया था तो फिर सॉल्व कीजिएगा तो सेम आपका आंसर आ जाएगा दोनों के लिए तो ये आपका हो गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हो गया जेड वाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इज कॉल टू जेड इंटू जेड प्लस वन बटे जेड माइनस वन का क्यूब ये आपको प्रूव करना है ये भी चार नंबर का क्वेश्चन था दो हजार अठारह का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे रिकरेंस फार्मूला का यूज करेंगे यूजिंग रिकरेंस फार्मूला रिकरेंस फार्मूला क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर पी इज टू माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर पी माइनस वन तो यहाँ पे देखिए पी कितना है पी आपका टू है स्क्वायर है तो पी इजक्ल टू टू है तो यहाँ पे देखिए इज इजकअ टू माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू डी पावर टू माइनस वन तो एन टू डी पावर वन तो एन हो गया आपका देखिए यहाँ पे माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हमको कितना आया है अभी अभी हम लोग निकाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन कितना आता है जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो आप इसका यहाँ पे देखिए माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन कितना हो गया जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ भी यू बाई भी का आप डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी लगाइए ये आपका यू हो गया ये भी हो गया देखिए माइनस जेड भी को हम लोग छोड़ते हैं तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी जेड इंटू यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस फिर यू को हम लोग छोड़ते हैं भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस जेड डी वाई डी जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बट्टे भी का होल स्क्वायर तो भी कितना है जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो जेड माइनस वन का टू पावर फोर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पावर फोर हो जाएगा फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस जेड येडियन क्या हो जाएगा वन माइनस जेड डी बाई डी जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका है देखिए डी बाई डी जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर तो इसका डिफेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा इसका अगर हम लोग करेंगे तो फिर क्या कीजिए एक्स स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू z जेड माइनस वन एक्स का क्या होता है फिर इसका हम इसका करेंगे तो डीवाई डी जेड जेड माइनस वन तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो z minus 1 into इसका क्या हो जाएगा था? अभी हम लोग निकाले थे वन हुआ क्योंकि डी जेड बटे डी जेड माइनस डी वाई डी जेड कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा आपका डिफेंसिएशन तो टू जेड माइनस वन तो यहाँ पे देखिए जेड ये माइनस जेड इंटू टू जेड माइनस वन वन आपका आ गया फिर सॉल्व कीजिए तो माइनस जेड जेड माइनस वन का एक कॉमन ले लिए बाहर कर लिए इसमें भी जेड माइनस वन है इसमें भी जेड माइनस वन है तो बाहर कर लिए तो यहाँ पे माइनस जेड जेड माइनस वन तो यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस वन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टू जेड बचेगा तो यहाँ टू जेड हो गया बटे जेड माइनस वन का पावर फोर अब देखिए जेड माइनस वन यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या पावर क्या हो जाएगा थ्री बचेगा तो यहाँ पे पावर आपका थ्री बचा तो अब देखिए फाइनली क्या आ जाएगा माइनस जेड यहाँ पे देखिए जेड ये आपका माइनस टू जेड है जेड है तो कितना बचेगा माइनस जेड माइनस वन बचेगा ऊपर में नीचे क्या हो जाएगा जेड माइनस वन का क्यूब अब देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस है यहाँ पे भी माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे माइनस बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा जेड प्लस वन आ जाएगा ये टर्म और ये आपका माइनस था तो माइनस माइनस प्लस तो जेड इंटू जेड प्लस वन बटे जेड माइनस वन का क्यूब तो आपका क्या देखें हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर कितना आ गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर आपका आ गया जेड इंटू जेड प्लस वन बटे जेड माइनस वन का क्यूब तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर कितना हो गया जेड इंटू जेड प्लस वन जेड माइनस वन का क्यूब या इस तरह से भी दे सकता है जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बटे जेड माइनस वन का क्यूब तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछता है वही आपको अगर क्वेश्चन पूछे एन स्क्वायर इंटू यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म तो उसका भी सेम हो जाएगा जेड इंटू जेड प्लस वन बटे जेड माइनस वन का क्यू तो सेम हो जाएगा तो हम लोग जेड का जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन का देखे और जेड ट्रांसफॉर्म एन स्क्वायर का देखे तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है ये आपका दो हजार अट्ठारह का पूछा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा इजक्ल टू जेड साइन थीटा बटे ए जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस्ट थीटा प्लस वन ये आपका 2017 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो डेट जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्सप्रेस है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इजक्ल टू क्या होता है एक्स ऑफ जेड इजक्ल टू समेसन एन इज्कल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू डी पावर माइनस एन अब इसको हम लोग क्या यू ऑफ एन के लिए लिखते लिखते हैं हम लोग साइन एन साइन एन थीटा इन टू यू ऑफ एन तो यू ऑफ एन के क्या होता है कॉज़ल सिग्नल के लिए एन इजकअल टू जीरो टू इन्फिनिटी हम लोग लेते हैं तो इजक्ल टू समेशन एन इजकअल टू जीरो टू इन्फिनिटी साइन एन थीटा जेड टू डी पावर माइनस एन तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स ऑफ एन के जगह पे साइन एन थीटा को हम लोग लिखे अब इसको हम लोग यूलर्स फार्मूला पे तोड़ेंगे तो टू डी पावर माइनस जे थीटा बटे टू जे ये आपका यूलर्स फार्मूला से आपका साइन और कॉस को हम लोग तोड़ते हैं ये हो गया आपका कॉस का अगर रहेगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी पावर जे थीटा प्लस टू डी पावर माइनस जे थीटा बटे टू तो ये आपका थीटा के लिए होगा तो अब आप क्या कीजिए साइन एंड थीटा को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा समेशन एन इज टू जीरो टू इन्फिनिटी साइन एन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे ई टू डी पावर जे एन थीटा माइनस ई टू डी पावर माइनस जे एन थीटा बटे टू जे इंटू साइन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन तो ये आपका हो गया अब इसको सॉल्व कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसको करेंगे अलग अलग कर लेंगे तो वन बाई टू जेड बाहर कर टू जे बाहर कर लीजिए कर लिए यहाँ पे समेशन ऑफ एन इजक्ल टू जीरो टू इन्फिनिटी टू डी पावर जे एन थीटा जेड टू डी पावर माइनस एन इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए माइनस समेशन ऑफ एन इज टू जीरो माइनस जे एन थीट टू डी पावर माइनस एन हम लोग क्या किए अलग अलग कर लिए इसको इसको और मल्टीप्लाई करिए इसको इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिए अब देखिए आपका तो वन बाई टू जे हो गया फिर समेशन ऑफ एनवल टू जीरो यहाँ पे हम लोग एन को कॉमन लेंगे इसमें भी एन है इसमें भी एन है तो एन को बाहर कर रहे हैं तो ई टू डी पावर जे थीटा जेड टू डी पावर माइनस वन टू डी पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा पूरे में फिर यहाँ पे भी एन कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा समेशन ऑफ एन इज टू जीरो टू इन्फिनिटी इ टू डी पावर माइनस जे डी टा टू डी पावर माइनस वन इसमें से कॉमन ले रहे हैं टू डी पावर एन अब इसको क्या हो जाएगा आप सॉल्व कीजिए तो इसका क्या आ जाएगा देखिए समेशन ऑफ एन इज्कवल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका है तो क्या हो जाता है इसका सम वन बाई वन माइनस आर इफ मोड ऑफ आर लेस देन वन तो यहां पे देखिए आप इसका ये और इसका वैल्यू जो होगा लेस देन वन के लिए कन्वर्ज करेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू लेस देन वन के लिए कन्वर्ज करेगा तो अब इसका जो है आप क्या आ जाएगा देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे ये आपका वन बाय वन माइनस आर होता है तो यहां पे देखिए आपका तो ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाय वन माइनस आर तो आर आपका ये हो गया ये आपका इतना इन टू आर टू डी पावर अगर एन रहे तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो देखिए वन बाई वन माइनस ई टू डी पावर जे थीटा जे टू डी पावर माइनस वन इसका आप हम लोग लिख लिए जोमेट्रिक प्रोग्रेशन से जी पी से माइनस इसका भी क्या हो जाएगा इसको हम लोग पूरा को आर माने तो वन बाई वन माइनस आर तो ये हो गया आपका इसको आप क्या कीजिए बटा बट का घटाव कीजिए तो ये आपका बाहर आ गया है ये, इसमें ये कॉमन होगा तो ये वाला टर्म आपका यहाँ आ गया फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन और माइनस माइनस प्लस तो ये वाला टर्म आ जाएगा फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये वन और ये वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ई टू डी पावर जे थीटा जेड टू डी पावर माइनस वन माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ठीटा जेड टू डी पावर माइनस वन बटे ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देखिए ई टू डी पावर जे थीटा जेड इनवर्स माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ठीटा जेड इन ये टर्म और इस टर्म के लिए इसको हम लोग ऊपर वाले को देखें तो क्या हो जाएगा वन बाई टू जे ई टू डी पावर जे ठीठा माइनस ई टू डी पावर माइनस जे ठीठा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ठीठा होता है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीठा जेड इनवर्स इतना इक्वल टू आपका न्यूटर पार्ट का हो जाएगा साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि ई टू डी पावर जे theta माइनस ई टू पावर माइनस जे ठीठा टू जे क्या होता है साइन थीटा होता है इसके साइन थीटा इंटू जेड इनवर्स जेड इनवर्स दोनों में रह जाएगा बाहर जेड इनवर्स बटे अब इसको सॉल्व कीजिए तो वन वन हो जाएगा माइनस इसको और वन इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये वाला टर्म आपका आ गया फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टर्म आ गया और इसको इसको मल्टीप्लाई किया ये टर्म आ गया अब देखिए साइन थीटा जेड इनवर्स वन माइनस इसको हम लोग ये दोनों में माइनस बाहर कर लिए तो क्या जाएगा यू टू डी पावर जे थीटा ये टर्म को हम लोग पहले लिख रहे हैं ई टू डी पावर जे थीटा प्लस ई टू पावर माइनस जे थीटा जेड इनवर्स को हम लोग बाहर कर लिए दोनों में प्लस यहाँ पे देखिए जेड इनवर्स भर्स जेड इन तो क्या हो जाएगा जेड टू डी पावर माइनस टू और ई टू डी पावर जे थीटा और ई टू पावर माइनस ई टू डी पावर जे थीटा और ई टू डी पावर माइनस जे थीटा है तो क्या हो जाएगा ई टू डी पावर जे थीटा माइनस जे थीटा तो क्या हो जाएगा ई टू डी पावर जीरो इज कल टू वन हो जाएगा तो यहाँ पे जेड टू डी पावर माइनस टू इंटू वन होगा तो हम इंटू वन नहीं लिखे यहाँ पे इंटू वन हो जाएगा तो साइन थीटा जेड इनवर्स वर्स वन माइनस यहाँ पे देखिए इ टू डी पावर जे थीटा प्लस ई पावर माइनस जे थीटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए ई टू डी पावर जे थीटा प्लस ई टू डी पावर माइनस जे थीटा बटे टू इसल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे टू को इधर ले जाइए तो ई e e टू डी पावर जे थीटा प्लस ई टू डी पावर माइनस जे थीटा इसको टू क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह पे टू कॉस थीटा और जेड इनवर्स तो जेड इनवर्स लिख दिए प्लस जेड टू डी पावर माइनस टू अब देखिए हम लोग क्या है? इसको फिर लिख दिए तो, yeah. तो साइन थीटा जेड इनवर्स को हम लोग वन बाई जेड लिख सकते हैं तो साइन थीटा बटे जेड वन माइनस टू टू थीटा जेड इनवर्स को हम बाई जेड लिख दिए प्लस वन बाई जेड स्क्वायर इसको सॉल्व कीजिए साइन थीटा बटे जेड बटे जेड यहाँ पे आप कीजिए तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस थीटा प्लस यहाँ पे जेड जेड कटेगा तो जेड बचेगा तो ये ऊपर में चला जाएगा तो जेड साइन थीटा बटे जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस टू जेड प्लस वन तो आपको साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म क्या निकल गया साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया जेड साइन थीटा बटे एन स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस्टा प्लस वन तो ये आपका साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हो गया तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे एस बी टी बिहार सिग्नल सिस्टम जेड ट्रांसफॉर्म का तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा ही क्वेश्चन है और आगे भी आने का संभावना है थैंक यू